देखो भाई 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अच्छा तो भाई उसी चीज को देखते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000, जिनको देख के आप भी बोलोगे मुझे बवासीर है। तो भाई सारे स्मार्टफोन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट करके बाय भी कर सकते हो। लिस्ट का थर्ड जो स्मार्टफोन आता है वो लो बजट सेगमेंट में काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जिनका बजट 14 से 15 हजार रुपए के आसपास है वो इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से। स्मार्टफोन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और भाई इस प्राइस पॉइंट पे 750G जैसा पावरफुल प्रोसेसर मिलना काफी बड़ी बात है। बाकी अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 6.6 इंच की 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी विद 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एक साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो भाई अगर फाइनली बात करूं मैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग F23 5G, लिंक आपको स्मार्टफोन के नीचे मिल जाएगी। लिस्ट का अगला स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, बट फीचर्स के मामले में इस स्मार्टफोन को बीट करने वाला स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U 5G चिपसेट मिल जाएगा, जिसमें आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो भाई 5G कनेक्टिविटी भी शानदार और परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले, 108MP का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो भाई इस स्मार्टफोन का नाम है मोटोरोला S20 फ्यूजन, इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो भाई लिस्ट का सबसे पहला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से। तो भाई अगर आपको 5G के साथ साथ एक पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चाहिए, जिसके साथ आप हार्ड से हार्ड मल्टीटास्किंग और गेमिंग आसानी से कर पाओ, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको 6.6 इंच की 144Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले, 48MP का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी जिसको चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो भाई देर किस बात की है, स्मार्टफोन का नाम है Realme 9 5G स्पीड एडिशन, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो भाई ये थे आज के हमारे टॉप 3 5G स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000, जो आपके काफी काम आ सकते हैं इस आने वाले 5G के युग में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने घंटे को भी जोर से दबा लो।